हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विकास सिंह है। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ अनदर हॉल वीडियो लेकर आई हूँ। सो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी शॉपिंग थोड़ी बहुत चलती रहती है। सो एक्चुअली मैंने कुछ कपड़े लिए हैं H&M से और प्राइमार्क से और कुछ और स्टोर से, सो दैट कि क्योंकि अब मुझे मेरे पुराने कपड़े तो आते नहीं है, जो ढीले ढाले थे मैं बस वही पहनती थी, बट अब मुझे कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने कुछ बाय किए। और मैंने ऐसे कपड़े लिए हैं जो मैं आफ्टर प्रेगनेंसी भी पहन सकूं। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंने कोई मेटर्निटी सेक्शन से कुछ लिया है। और वन मोर थिंग, अगर मैं उन कपड़ों को कैसे स्टाइल करती हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे बिना मेटर्निटी क्लोथ्स खरीदे हुए भी कंफर्टेबल कपड़े पहन सकते हैं प्रेगनेंसी में, और जो कि आपको आफ्टर डिलीवरी भी बहुत काम आएंगे। सो मैंने ऐसे ही कपड़े लिए हैं। सो मेक श्योर कि ये आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों को पसंद आए तो हॉल वीडियो, और आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे। सो सबसे पहले मैंने जो लिया है वो है प्राइमार्क से। सो यहाँ पे प्राइमर काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। सो एक्चुअली वैसे तो यहाँ अभी समर टाइम है उतना, बट थोड़ी बहुत ठंड रहती है हमेशा, सो दैट कि मैं अगर डिलीवरी टाइम पे या फिर कभी ड्रेसेस पहनती हूँ और थोड़ी बहुत ठंड लग रही है मुझे, तो मैंने उसके लिए ये ओपन बटन वाली ये स्वेटर ली है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, जिससे कि इस मौसम के लिए ये बहुत अच्छी है। तो जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं उसी के साथ वेयर करने के लिए मैंने एक्चुअली ये स्वेटर लिए। ये मैंने प्राइमार्क से ली थी, ये 5.5 pound में आई थी। सो मुझे अच्छी लगी इसमें, इस तरीके की ये बटन है और फ्रंट में भी इसी गोल्डन कलर के बटन लगे हुए हैं, इसमें सिल्वर कलर के बटन्स लगे हुए हैं। सो ये मुझे अच्छी लगी अफोर्डेबल प्राइस में, कभी किसी ड्रेस के ऊपर से डालनी होती है तो इसके लिए मैंने इसको बाय किया है। सो इसका कपड़ा सॉफ्ट है, थिन है, बट समर टाइम के लिए अच्छा है। यहाँ पे समर टाइम में भी ठंड होती है। सो ये मैंने सबसे पहले प्राइमार्क से लिया है। सेकंड मैंने प्राइमार्क से लिए हैं ये ओवर नी बूट्स। ये इतने लंबे बूट्स नहीं, सॉक्स, मतलब नी से जो ऊपर तक सॉक्स होते हैं ना, वो लिए हैं। एक्चुअली अगर आप डिलीवरी टाइम पे शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं और अगर आपको उसके बाद थोड़ी बहुत ठंड लगती है हॉस्पिटल में या कुछ, तो उसके लिए मैंने लिए हैं। या फिर घर पे भी अगर आप शॉर्ट ड्रेस पहनते हैं कुछ भी रीज़न से, तो उसके लिए बहुत काम आते हैं। सो ये मैंने एक ही पेयर लिया है बस, और ये मुझे काफ़ी पसंद आए थे। ये मैंने प्राइमार्क से लिए हैं और ये 3 pound में आए थे, और इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है, थिक है, तो अभी काम नहीं आए तो मुझे विंटर्स में तो काम आएंगे, सो दैट्स व्हाई मैंने इनको ले लिया। सो ये मैंने प्राइमार्क से लिया था। प्राइमार्क से मैंने एक होम डेकोर आइटम भी लिया था, जैसे कि आप जानते हैं नए घर में शिफ्ट हुए हम, सो मैंने एक ये होम डेकोर आइटम लिया था, इट्स लाइक दिस। सो इसमें क्या है कि आप दो फ्रेम्स, मतलब दो पिक्स लगा सकते हो छोटे साइज की, और ये कांच का है और इसमें ये वुडन का फ्रेम है, और इसको आप इस तरीके से हैंग कर सकते हो। ये मुझे 2.5 pound में मिला था, और जो मुझे अच्छा लगा इसमें मैं अपनी बेबी की पिक्स लगाने के लिए मैं उसी के रूम के लिए लेके आई हूँ। सो इसके बाद मैंने H&M से कुछ लिया है। सो H&M से मैंने एक्चुअली 3 dresses पिक करी हैं, जो कि मैं अभी भी पहन सकती हूँ और आफ्टर प्रेगनेंसी भी पहन सकती हूँ। सो ये मैंने नॉर्मल सेक्शन से ही सिलेक्ट करी थी। सो ये एक स्ट्राइप में ब्राउन और क्रीम कलर की ये फुल लेंथ ड्रेस है, इट्स लाइक वेरी लॉन्ग, सो ये मुझे फुल लेंथ में आ रही है। और ये इसका पैटर्न कुछ ऐसा लूज टाइप है, और यहाँ से एक इलास्टिक है, बट ये आपके बैली के में नहीं स्टक होती, इसलिए मुझे ये अच्छी लगी थी। सो इसलिए मैंने इसको ले लिया, और मुझे लगा आफ्टर डिलीवरी ये मुझे काफ़ी काम आएगी, तो उसी लिए मैंने लिया। और ये मुझे 3 pound में मिली थी। मटेरियल बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है, और इसमें मैंने स्मॉल साइज लिया है जो मुझे अच्छे से फिट आ गया, क्योंकि ये ना थोड़ी सी लूज फिट ड्रेस थी, तो ये इस तरीके से है। सो इसकी भी पिक मैं आपको इंस्टाग्राम पे आप जरूर देख पाएंगे। इसके बाद मैंने बहुत ही फेवरेट मेरी जो ड्रेस है वो ली है, वो ये मस्टर्ड येलो कलर की ड्रेस। सो ये एक ऐसी स्ट्राइप ड्रेस है, इसमें
ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्ट्रेची मटेरियल में है, सो ये काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है। सो ये आपके बस्ट एरिया पे आएगा और उसके नीचे ये फ्लोई टाइप की ड्रेस है, सी इस तरीके से फ्लोई है। सो ये क्या है, आप अभी भी पहन सकते हैं, मैं इसको वेयर करके देखा था, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छे से फिट आई थी। सो दैट्स व्हाई मैंने सोचा अगर मुझे अभी आ रही है तो आफ्टर प्रेगनेंसी भी आराम से आ जाएगी, और आई मीन ऐसे कपड़े क्यों लेना जो मैं बाद में काम ना ला सा पाऊँ। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको पिक किया, और बहुत रीजनेबल प्राइस में मिली थी मुझे, 5 pounds में मिली थी, और ये भी मैंने स्मॉल साइज में लिया है और ये मुझे परफेक्टली फिट आ रही है, सो आई रियली लाइक इट। अगर होगा तो मैं, अगर मुझे इसकी वेबसाइट पर पिक्स दिखेगी तो दिखा दूंगी। हाँ, और इसकी जो लेंथ है वो मेरे थोड़े नीज के थोड़ा सा नीचे आ रही है, तो इसकी जो लेंथ है वो भी बहुत अच्छी है, समर के लिए अप्रोप्रिएट है। अगर थोड़ी बहुत ठंड लगती है तो जो मैं स्वेटर लेकर आई हूँ मैं उसके इसके साथ वेयर कर सकती हूँ, सो दैट्स व्हाई ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सो एक ड्रेस ये, और इसका मटेरियल ना बहुत ही अच्छा है, सी दैट, सो बहुत ही अच्छा मटेरियल है, सो दैट्स व्हाई मुझे अच्छी लगी, और 5 pounds में इट्स नॉट अ बैड डील। और इसके बाद मैंने H&M से एक और ड्रेस ली है, वो भी कुछ इसी तरीके की है, लाइक आई मीन जो मैं अभी भी वेयर कर सकती हूँ बाद में, और ये कुछ इस तरीके से है। इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद आया था, ये थोड़ा सा क्रीम कलर की है, इसमें ये ग्रीन और ब्राउन, लाइट ब्राउन काइंड ऑफ फ्लावर्स बने हुए हैं, और फुल स्लीव्स में है ये वाली। सो अगर आपको थोड़ी ठंड लगती है तो आप ये फुल स्लीव्स में पहन सकते हैं, और यहाँ पे ये परफेक्टली फिट हो रही थी मुझे। इसमें ये क्रिस क्रॉस टाइप का है, सो इफ़ यू वांट कि आपको फिट कराने के लिए भी ड्रेसेस लगती है ना, सो ये आप उस टाइम पे भी काम कर सकते, मतलब काम में ला सकते हो। सो दैट्स व्हाई मैंने इसको पिक किया था एक्चुअली मैं, क्योंकि ऐसे में मैटरनिटी वाली भी अलग से आती है, बट उसमें ना प्रिंट और इतने कोई सुंदर मुझे मिली नहीं, सो मैंने इसको पिक कर लिया कि ये मुझे फीडिंग टाइम पे भी अच्छी रहेगी, और वैसे भी ये बहुत प्यारी लग रही थी, सो मैंने इसको पिक कर लिया। और इसकी लेंथ भी है वो थोड़ा नीज के नीचे तक है, सो ये इसका मटेरियल अच्छा है, थोड़ा थिक है, आई मीन समर अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ है, कि यहाँ पे समर्स में जितनी हल्की ठंड होती है उसके हिसाब से ये पहनना एकदम परफेक्ट है। और ये मुझे 8 pounds में मिली थी, और इसमें ही मेरा साइज जो है वो स्मॉल साइज है। सो नेक्स्ट ये ड्रेस ली थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मुझे बहुत पसंद आई। इसकी पिक्चर्स मैं जल्द ही इंस्टाग्राम पे इंसर्ट करूँगी, क्योंकि अभी मौसम नहीं हो रहा पिक्चर क्लिक करने लायक, आई मीन रोज़ बारिश हो रही है, सो फोटो क्लिक ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं इतनी सारी ड्रेस लेकर आई थी बट हम फोटो क्लिक ही नहीं कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट मैं मार्क एंड स्पेंसर गई थी, और मार्क एंड स्पेंसर से मैंने टाइट्स लिए हैं, ये थोड़े से थिन वाले हैं, मतलब जैसे कि समर्स होता है बट फिर भी आपको कुछ पेयर करना है तो उसके लिए ये टाइट्स हैं। सो ये 2 का पैक है, नहीं 3 का पैक है, और ये 60 Daniel है, सो ये थिन वाले हैं, और ये काफ़ी अच्छे लगे थे मुझे, और ये मुझे 8 pounds में 3 मिले, जो कि एक अच्छी डील है। मार्क एंड स्पेंसर्स के टाइट्स, स्टॉकिंग्स, सब कुछ बहुत अच्छे होते हैं, सो मैंने इसीलिए वहीं से ये वाले पिक करे, ये थिन, क्योंकि मेरे पास थिक वाले थे, थिन वाले मेरे पुराने ख़राब हो गए थे, सो ये 3 का पैक मैंने ये लिया। और एक और मैंने जो शीयर वाले होते हैं ना, लेट मी शो यू, सो जो शेयर वाले होते हैं वो भी, उसका भी मैंने 3 का पैक लिया है, लाइक दिस। अगर आपको किसी ड्रेस के नीचे पहनना है, आपका मन है, सो ये मैंने 3 का पेयर है इसमें, 3 pairs हैं, और ये शेयर टाइट्स शाइन वाले हैं, सो ये भी मुझे अच्छे लगे थे, और इनकी क्वालिटी मार्क एंड स्पेंसर की ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैंने वहीं से पिक करी। ये 5 pounds में मुझे 3 मिले, सो ये भी मेरे पुराने ख़राब हो गए थे, तो इसीलिए मैंने इनको पिक किया और इनको पिक किया, कि अगर मैं कोई ड्रेस पहनती हूँ आफ्टर डिलीवरी या फिर अभी भी, तो ये आराम से मुझे फिट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे पुराने वाले मुझे फिट हो जाते थे, तो इसीलिए ये भी मैंने लिया है। और इसमें मैंने स्मॉल साइज़ लिया है, और इसमें भी स्मॉल साइज़ लिया है, क्योंकि इसमें देखो तो अगर आप 8 to 12 साइज़ अगर आपका UK में, सो मेरा साइज़ करेंटली 10 है, सो इसीलिए मैंने स्मॉल पिक किया है।
सो इन सारी चीज़ों में से आप लोगों को कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं अपनी ड्रेसेस को और चीज़ों को कैसे स्टाइल करती हूँ तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। अगर आज का ये हॉल वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, और आप किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम बनाने की, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। लगा होगा तो एक लाइक कर देना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करना। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।